हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सूजी पनीर के बॉल्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही है आसान। तो आप इस मानसून पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम डाल देंगे मैश किया हुआ पनीर। तो यहाँ पर मैंने करीब 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी को हम बाउल में डाल लेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और करीब 1 चम्मच आमचूर पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे करीब 4 चम्मच मैदा। मैदा इसे एक अच्छा बाइंडिंग देगा। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और इसे स्पून के हेल्प से मिला लेंगे और फिर हाथों से इसे मैश करते हुए अच्छे से एक सॉफ्ट डो की तरह बना लेंगे। इस तरीके से उसके बाद हम यहाँ पर इस डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स की साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये रेडी हुए हमारे सारे बॉल्स। तो एक तरफ हम चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे तेल फ्राई होने के लिए। जब तक तेल गर्म होगा तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप सूजी और इन बॉल्स को उसमें हम अच्छे से डिप करके और उसे अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे सूजी से। उसके बाद जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इन बॉल्स को उसमें हम डीप फ्राई होने के लिए डाल देंगे और इस तरीके से हम सारे बॉल्स को उसमें डाल देंगे जितनी आपके एक कढ़ाई में एक बार में आ जाए और इसे चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम रख देंगे हाई और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं और इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो इसे अभी हमें और फ्राई करना है। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो इसको हम और थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो इस तरीके से हम सारे बॉल्स को फ्राई करके निकाल लेंगे और ये जो हमारी सूजी अंदर चली गई है तेल में, तो जब हमारा तेल ठंडा हो जाए तो आप इसे जो हमारा चाय की छन्नी उसे छान कर फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारी सूजी पनीर के बॉल्स। आप इसे अपने मनपसंद डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस मानसून इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बनाने में बेहद ही है आसान और आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। बहुत बढ़िया लगता है ये खाने में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।